हेलो गाइस, आज मैं आपको बता रही हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बिजनेस स्टडीज़ जो इस साल के बोर्ड एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं। मैंने यहाँ पे आपको कुछ 15 क्वेश्चंस लिख दिए हैं। मैं एक एक करके वो आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करती हूँ, आपको समझ में आ जाएंगे वो। ओके, ये देखिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ बैरिकेड्स इज देयर एक्सप्लेन। हमें बताना है कितने तरह के बैरिकेड्स हैं और उसको एक्सप्लेन करना है। सेकंड क्वेश्चन है, हमें लीडर और मैनेजर के बीच का डिफरेंस बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बताना है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है और फिर हमें उसके टाइप्स बताना है। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। हमें डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन के बीच का डिफरेंस बताना है। देन आफ्टरवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5 में फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंस बताना है। नेक्स्ट हमें एक गुड ब्रांडिंग यानी एक जो ब्रांड होती है उसमें चार क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए वो बताया है। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके लॉन्ग आंसर्स में आएगा ही आएगा, लाइक 90% चांसेस हैं इसके आने की। उसके बाद है हमारा डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट और डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। ये दो क्वेश्चंस हैं, एक में आपको एक्सप्लेन करना है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट को और दूसरे में हमें उन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है। तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपका कंपलसरी आएगा ही आएगा। नेक्स्ट है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बीच का डिफरेंस। नेक्स्ट सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज इन स्टडी ऑफ टेलर एंड फ्योल। इसमें या तो आप सिमिलैरिटीज पूछी जाएंगी या डिसिमिलैरिटीज पूछी जाएंगी, ये क्वेश्चन भी आपका 100% आएगा ही आएगा। देन आफ्टरवर्ड्स डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये क्वेश्चन हर साल आता ही आता है। ये डिफरेंस के फॉर्म में आएगा जिसमें आपको मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और ऑर्गेनाइजेशन के बीच का डिफरेंस बताना है। नेक्स्ट है हमें जिसमें हमें इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज बताना है रिक्रूटमेंट के। ओके, एंड देन इज राइट द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, के मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या हैं। ये आपका सुपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें आपको प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस दोनों ही बताना है। तो अगर आप प्राइमरी फंक्शंस पढ़ लेंगे तो बाकी के चैप्टर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे, क्योंकि जो प्राइमरी फंक्शंस के जो हेडिंग्स हैं, जो आगे के चैप्टर्स हैं वही हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, सारे वही चैप्टर्स हैं। तो अगर आपने ये वाला आंसर याद कर लिया तो सबकी मीनिंग आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। उसके बाद हमें फैक्टर्स बताना है जो हमारे इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम के लिए ज़रूरी होते हैं वो, और फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। ओके, अगर आपको अच्छी लगी मेरी वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन भी आपके दोस्तों को इस वीडियो की ज़रूरत है प्लीज़ उन तक ये वीडियो पहुँचा दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।